इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आपको दे दें, लिव इन में चल सकता है दहेज और उत्पीड़न केस, पति पत्नी की तरह रहना मजबूत आधार, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने खारिज की है आदर्श यादव की याचिका। प्रयागराज कोतवाली में दर्ज है दहेज का केस और आदर्श की प्रेमिका ने कर ली थी खुदकुशी, उत्पीड़न से परेशान होकर दी थी जान और सरकारी वकील ने कोर्ट मैरिज का दावा किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, लिव इन में चल सकता है दहेज उत्पीड़न का केस, ये हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की कोतवाली में आदर्श के खिलाफ एक मामला दर्ज था जिसमें दहेज उत्पीड़न का उसके ऊपर आरोप लगा था। उसकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस महिला ने आत्महत्या के बाद लिव इन का आरोप जब उस पे लगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में उसने शादी नहीं की थी, कोई कानूनी तौर से वैध तरीके से जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसके साथ नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य उसके खिलाफ मिले थे आत्महत्या के लिए उकसाने और तमाम अन्य, उसको आधार मानते हुए सीधे तौर पर उसकी याचिका को खारिज कर दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि लिव इन में रहना ही जो है पर्याप्त आधार होता है दहेज उत्पीड़न का, इसी आधार से उसकी जो याचिका है उसको खारिज कर दी। चलिए, शुक्रिया आपका गुफरान इस जानकारी के लिए।